नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। बिग बॉस सीजन 16 के विनर और रैपर एमसी स्टैन लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बिग बॉस जैसे शो ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं। वो लगातार एक सिटी से दूसरी सिटी जाकर अपने सोर्स कर रहे हैं। बिग बॉस से निकलने के बाद एमसी स्टैन ने एआर रहमान को भी लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया था। हालांकि अब उनकी खुद की लोकप्रियता पर काफी असर पड़ा। हाल ही में एक नई लिस्ट सामने आई है जिसमें बीते महीने लोगों ने सोशल मीडिया पर एमसी स्टैन को नहीं बल्कि किसी और एक्टर को सबसे ज्यादा पसंद किया है। एमसी स्टैन की लोकप्रियता पहले से घट गई है। हाल ही में आरमैक्स मीडिया ने अपने फरवरी के महीने की लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि फरवरी में सबसे लोकप्रिय एक्टर कौन रहा है। इस लिस्ट में टॉप 5 एक्टर्स शामिल हैं, जिसमें पहले नंबर पर कपिल शर्मा, दूसरे नंबर पर एमसी स्टैन, तीसरे नंबर पर प्रियंका चहर चौधरी, चौथे नंबर पर सलमान खान और पांचवें नंबर पर शिव ठाकरे हैं। जब एमसी स्टैन बिग बॉस के घर में थे तो उस समय उनके और प्रियंका के बीच अक्सर सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी को लेकर जंग छिड़ी रहती थी। अब कपिल शर्मा ने जिवगाटो की रिलीज के साथ ही इन दोनों बिग बॉस कंटेस्टेंट को पछाड़ दिया है। आपको बता दें कि एमसी स्टैन की सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी पहले से ही काफी ज्यादा है। हालांकि बिग बॉस के घर में जब वे आए थे तो वे आते ही साजिद खान, शिव ठाकरे और अब्दू के साथ मंडली में गेम खेलते दिखे। बिग बॉस सीजन 16 के खत्म होने के बाद भी मंडली के सदस्य कई बार साथ में पार्टी करते हुए नजर आए। अब हाल ही में जब एक इंटरव्यू के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब्दू रोजिक से ये पूछा गया कि मंडली के क्या हालचाल हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा मंडली खत्म। उनका ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, शिव ठाकरे ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि मंडली के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है।